हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। और आज दिन है संडे, तो आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ दोस्तों, क्योंकि बीच में मैं ब्लॉग बनाना छोड़ दी थी। मेरा मन नहीं हो रहा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था दोस्तों। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, तो आज थोड़ा सा मन अच्छा लग रहा था, तो मैं सोची चलो आज ब्लॉग शूट करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बहुत सारी बहनें मेरे इंस्टाग्राम पर आकर के पूछती थी दीदी ब्लॉग कब आएगा, तो मैं उन्हें बताती थी कि हाँ जल्दी ही आएगा ब्लॉग। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए दोस्तों। वैसे मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ये यहाँ पे मैं मतलब कंफर्टेबल नहीं अब महसूस कर रही हूँ, मेरा मन जो है एकदम से थक चुका है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जितने भाई बहन मुझे पसंद करते हैं मेरी ब्लॉग देखना, उनके लिए मैं ब्लॉग बनाती रहूँगी। लेकिन हाँ दोस्तों, उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा, मैं डेली ब्लॉग नहीं डाल पाऊँगी। हाँ, हफ्ते में 2 से 3 ब्लॉग मैं डालने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे मैं दाल चढ़ा दी हुई हूँ, सुबह चावल जो है मम्मी ने साफ़ कर दिया था अम्मा ने, तो अभी मैं देखिए क्या करने जा रही हूँ, सब्जी काटने। आलू और बैंगन की सूखी सब्जी बनाऊँगी, और हरी मिर्च लेकर आए थे हस्बैंड जी, तो बहुत ही तीखी हरी मिर्च होती है, मतलब बहुत ही तीखी। तो यहाँ पे मैं कैमरा सेट कर रही थी, फिर मैं बैठ करके आराम से सब्जी काटूँगी और मेरा ब्लॉग जो है बनते रहेगा। और आज मैंने बाल धुल कर नहाया था ना, तो सबसे पहले मैं बाल को समेट लेती हूँ, क्योंकि खाने में अक्सर आ ही जाती है, किसी के थाली में आए ना आए लेकिन हस्बैंड जी के थाली में ज़रूर आ जाती है। तो पहले मैं बाल को समेट ली हुई हूँ, अब मैं सब्जी काटती हूँ। और आलू का छिलका मैं उतार करके नहीं बना रही हूँ आज, मैं आलू का छिलका सहित आलू की सब्जी बना रही हूँ। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, सॉरी आज तो संडे है, मैं भी देखिए कंफ्यूज हो रही हूँ बोलने में, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। बच्चे आज घर पे ही हैं, सब बच्चे मेरे घर पे हैं, और शिवा अभी यहाँ पर ही रह रहा है, उसको मैं अभी कोई स्कूल में नहीं डलवा पाई हूँ। और उसका 12वीं जो है फाइनल हो चुका है, अच्छा रिजल्ट लाया है मेरा बेटा, लेकिन अभी मैं उसके लिए कुछ भी आगे की तैयारी नहीं करवा पा रही हूँ, तो देखती हूँ उसका क्या करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं सब्जी काट लेती हूँ और हरी मिर्च को साफ़ कर लूँगी, फिर उसके बाद मिलूँगी आप लोगों से। और आप लोग म्यूजिक के साथ वीडियो को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही दीजिए। मैंने रख दिया है गरम होने के लिए, इसी में मैं शाम को सेवई फ्राई की थी, मतलब भूनी थी, तो देखिए 2-4 सेवई जो है पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैं एक साइड दाल रख दी हुई हूँ, और लोहे की कढ़ाई में सादा सब्जी बनाओ ना तो अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। तो सबसे पहले मैंने सरसों का तेल डाला था, वैसे थोड़ा सा इसमें रिफाइंड तेल भी था। तो यहाँ पे मैंने जीरा और मेथी डाला है, और हरी मिर्च और लहसुन डाला है। और ये जो मिर्च आप देखे हैं ना, जो मैं साफ़ की थी, ये बहुत तीखा मिर्च होता है, इसको मिर्च भी हमारे यहाँ मिर्ची भी बोलते हैं, मतलब हरा मिर्चा नहीं, मिर्ची इसको बोलते हैं, बहुत ही तीखा होता है। तो यहाँ पे मैं चलिए सब्जी को छौंकती हूँ। Thank you.
आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों, और बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था वीडियो बनाने का, और थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं था दोस्तों, इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो आज थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों कल मैं ब्लॉग स्टार्ट की थी लेकिन पूरा नहीं कर पाई, उसके लिए क्षमा कीजिएगा, क्योंकि कल जो है मतलब मौसम अचानक से ख़राब हो गया और अपने काम में व्यस्त हो गई, और मुझे याद भी नहीं रहा कि मैं ब्लॉग स्टार्ट की हुई हूँ और आप लोगों के साथ कंटिन्यू करूँगी। तो अभी मुझे याद आया कि मैंने वीडियो कल स्टार्ट किया था, और आज मैं मतलब होश हुआ कि चलो वीडियो बना करके, मतलब ध्यान हुआ कि चलो वीडियो बना करके पोस्ट करती हूँ। तो अभी जब मैं एडिटिंग कर रही थी तो देखा कि मैं आप लोगों से मिली भी नहीं थी, बात भी नहीं की थी, आधा अधूरा मेरा ब्लॉग ऐसे ही पड़ा रह गया। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, और थोड़ा सा इस बीच में रेस्ट भी कर रही हूँ, और थोड़ा सा दिक्कत भी परेशानी भी है दोस्तों। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि हम यूट्यूब पर चाहकर भी नहीं शेयर कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे मेरी बहन, मेरे भाई मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, अगर मैं कोई भी बात आप लोगों से साथ शेयर करती हूँ ना तो आप उसे समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं। तो बस वही है, कुछ दिक्कत परेशानी हुआ है मेरे इस बीच में, लेकिन मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूँगी, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और थोड़ा सा मन जो है डिस्टर्ब चल रहा है अभी भी, लेकिन जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ वीडियो बनाती हूँ ना तो अच्छा भी लगता है, मन को सुकून भी मिलता है, शांति भी मिलता है। और थोड़ा सा समय भी नहीं मिल पा रहा था दोस्तों, कुछ समय का भी प्रभाव है जो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो खैर चलिए कोई बात नहीं, मैं बीच बीच में ब्लॉग बनाती रहूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो अभी मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे, शाम के बज चुके हैं 6 और मुझे बनाना है चाय। अभी देखिए दुपांस जो है सो गया है, स्कूल से आया है, थक गया था। मैं यहाँ पे बैठ करके एडिटिंग कर रही थी ना तो ये आकर के मेरे पास बैठा हुआ था, और बैठे बैठे ही ये सो गया। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपना प्यार सपोर्ट आशीर्वाद इस बहन को देते रहिएगा ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं एक अच्छी सी ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय माता दी।